Hey guys, welcome back my channel. Today's video on ब्लीच प्लस फेस पैक, ऐसा ब्लीच और ऐसा फेस पैक जो आपके फेस पे तुरंत ही ग्लो आ जाएगा। अगर आप वैलेंटाइन का प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी स्किन ग्लो के लिए, तो गैस मेरे बताए हुए तरीके से ये आप फेस पैक एक बार लगा के देखिए। दिन गैस आपके अगर एक बार के लगाने में फेस पे ग्लो ना आ गया तब आप बताइएगा। गैस मैंने वो फेस पैक यूज करने के बाद मैंने ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोग को रिस्पॉन्स दिखाऊँ। तो गैस अगर आप मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, मेरा चैनल ये फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को गैस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गैस। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट करना ना भूलें। तो गैस एक आलू जो आपके फेस को ब्राइटनिंग, टाइटनिंग और फेयरनेस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है गाइस, रियली में आलू फेस के लिए रामबाण है। अगर आपने मेरे बताए तरीके से अगर वीक में 2 टाइम यूज करना है तो बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए बेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए एक आलू, आधा कटा हुआ नींबू और चावल का आटा और शहद। तो गाइस मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया और इसका रस लेके ऐसे ही निकाल लूँगी। आलू का जूस मैंने ये निकाल लिया है। देन गाइस इसमें मैं ऐड करूँगी 1 से 1.5 स्पून चावल का आटा। ये हमारे फेस के लिए टाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और नींबू जो होता है ब्लीचिंग का काम करता है। और गाइस और जो शहद होता है पीएच लेवल को बैलेंस करता है, डर्ट सेल को रिमूव करता है। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके तैयार कर लिया, ये मेरा फेस पैक ब्लीच प्लस गाइस फेस पैक का बहुत अच्छा वर्क करेगा। ब्लीच की तरीके कंसिस्टेंसी में हो गया है। और गाइस इसको हम पूरी फेस पे इसे अप्लाई कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए। वैसे गाइस ये ड्राई हो जाता है, बट पूरा ड्राई नहीं होने देना है। जब हल्का हल्का गीला हो तभी हल्के हाथों से इसको मसाज करके वॉश करना है। और देखिए मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ और इसमें मैंने नींबू और आलू का वो है तो ब्लीचिंग का वर्क करेगा। 15 से 20 मिनट मेरा हो गया और मैं पूरा ड्राई नहीं होने दी हूँ। इसे हल्के हाथों से अपना स्क्रब करते हुए मैं वॉश कर लूँगी, फेस मसाज कर लूँगी। अच्छे से हम मसाज करेंगे जो भी हमारी डेड स्किन है, टैनिंग है, ब्लैकहेड्स हैं, व्हाइटहेड्स हैं, उनको गैस से रिमूव कर देता है और आपका नेचुरली ब्लीच का वर्क करता है गैस। हाँ, इससे ये बात सही है कि आपके हेयर गोल्डन कलर नहीं होते, बट आपके रिस्पॉन्स देख सकते हो। मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया, अभी मैंने ड्राई भी नहीं किया है और गैस मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है गैस। ये मैं अक्सर ये वाला फेस पैक वीक में या 15 डेज में 1 टाइम मैं यूज़ कर लेती हूँ गैस। इस पर जो भी स्पॉट होते हैं ना तो उनको रिमूव तो करता है ये, प्लस ब्लीचिंग का भी वर्क करता है और नेचुरली ग्लो। गाइस आप लोगों ने मेरा वीडियो वॉच किया, देखा मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने इस DIY फेस पैक प्लस ब्लीच को मैंने बताया हुआ है। गाइस ये फेस पैक आपका ब्लीचिंग का भी वर्क करेगा। अगर आपने इसको वीक में 2 टाइम्स भी अप्लाई कर लिया ना, तो जो भी आपके फेस पे स्पॉट है, जो भी आपके फेस पे पिंपल एक्ने हो रहे, उनको ये होने से रोकता है। और प्लस जो भी हमने प्रोडक्ट इसमें यूज किया है गाइस इस फेस पैक में, वो आपके फेस के लिए नेचुरली बहुत ही बेस्ट है। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो चावल वाला ही और ऐसे रेमेडी वाले बहुत बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो गाइस मेरे बताए तरीके से आप एक बार ये पैक यूज कीजिए और अपना रिस्पॉन्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा, या गाइस आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूले गाइस। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ जाते जाते हैप्पी चॉकलेट डे, आई थिंक आ चॉकलेट डे है ना, हाँ हैप्पी चॉकलेट डे ऑल माई यूट्यूब फैमिली। तो गाइस वैसे मैं ये सारे डेज मनाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो चॉकलेट डे तो सबको मना लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा विश कर दूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।